नमस्कार हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। ढोल भठेड़ की पंचायत प्रधान शालू को मिलेगा नेशनल आइडियल सरपंच अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ढोल भठेड़ पंचायत की प्रधान शालू को उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल आइडियल सरपंच के अवार्ड से नवाजा जाएगा। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। वहीं 26 वर्षीय शालू ने एमए के साथ जेबीटी की है। वह युवा पंचायत प्रधान होने के साथ लोगों की समस्या के समाधान के प्रति चिंतित रहती हैं। विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कोच होंगी हिमाचल की रिपना भट्टा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चिड़गांव तहसील के त्यूंदी गांव की रिपना भट्टा 13वीं मार्शल आर्ट कुरांश विश्व कप प्रतियोगिता में टीम इंडिया की कोच होंगी। विश्व कप स्पर्धा 25 नवंबर से महाराष्ट्र के पुणे में होगी। इसमें 66 देशों के करीब 350 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व कप से पहले 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। विश्व कप स्पर्धा में भारतीय दल से 21 खिलाड़ी विभिन्न भार वर्ग में भाग ले रहे हैं। वहीं रिपना भट्टा को टीम का कोच बनाया गया है। रिपना विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय स्पर्धा में बतौर खिलाड़ी भाग लेकर मेडल जीत चुकी हैं। दूसरी ओर रिपना की उपलब्धि से पिता बिंदर सिंह और माता लीलावती उत्साहित हैं। रिपना भट्टा ने बताया कि विश्व कप स्पर्धा में टीम इंडिया का कोच बनने पर गर्व हो रहा है। रेको एवलॉन्च रेस्क्यू डिवाइस से होगी लापता पर्वतारोही की तलाश। समुद्र तल से 17,490 फीट की ऊंचाई पर स्थित फ्रेंडशिप पीक में हिमस्खलन के कारण लापता शिमला के पर्वतारोही की तलाश अब रेको एवलॉन्च रेस्क्यू डिवाइस से की जाएगी। वहीं एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ATOA कुल्लू मनाली की टीम आधुनिक साजो सामान के साथ फ्रेंडशिप पीक पर पहुंच गई है। 5 सदस्यों की टीम 2 दिन बेस कैंप पर रहेगी। हिमस्खलन वाले क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के लिए रेको एवलॉन्च रेस्क्यू डिवाइस की मदद ली जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि शिमला की चौपाल तहसील के अड़शाला गांव का पर्वतारोही आशुतोष फ्रेंडशिप पीक में लापता हो गया है। शनिवार सुबह से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उसकी खोज के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। हिमाचल के कुल्लू जिले में निजी स्कूल की छात्रा ने आत्महत्या कर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक भुंतर में 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने मंगलवार शाम को जियापुर से ब्यास नदी में छलांग लगा दी। वहीं पुलिस और रेस्क्यू टीम छात्रा की तलाश में जुटी हुई थी। आज सुबह छात्रा ने आत्महत्या क्यों की इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ASP कुल्लू आशुतोष शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल कुल्लू में नाबालिग का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा चंबा जिले के पांगी क्षेत्र की रहने वाली थी और मोहल में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नकली दवाएं बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने से फार्मा हब विवियन की साख पर सवाल। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब में नकली दवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ होने से फार्मा हब की साख पर सवाल उठ रहे हैं। बद्दी में देश का 30% दवाओं का उत्पादन होता है और BBN में 45,000 करोड़ की दवाई प्रतिवर्ष तैयार होती है, जो देश के कुल उत्पादन का 30% है। ऐसे में नकली दवाओं का निर्माण होना गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगा रहा है। वहीं ड्रग विभाग ने जिस गिरोह का पर्दाफाश किया है वो आगरा का संचालक है। उसने बद्दी में किसी और काम के नाम पर कंपनी लगाई है, लेकिन यहाँ रात के समय अवैध तरीके से दवाई का निर्माण होता था। बीती रात भी रात के समय दवाई का निर्माण किया गया और उसे रातों रात ही बद्दी से बाहरी राज्यों में सप्लाई भेजी गई। इस काले धंधे में दवा निर्माता लाखों रुपए कमाता था। जिन कंपनियों के नाम पर यह दवाई बन रही थी उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साख है, जिनके नाम से ही दवाई बिकती है। अब ड्रग विभाग के पास 12 इंस्पेक्टर हैं, जिसमें 4 इंस्पेक्टर इसी काम में लगाए हैं। यहां से कोई गलत तरीके से दवाई न जाए, विभाग ने 2 साल के भीतर यह 4थी कंपनी पकड़ी है जिसमें नकली दवाई बनती थी। लो वोल्टेज से घटी सप्लाई, कई इलाकों में पानी की राशनिंग शुरू। शिमला शहर वासियों को आने वाले दिनों में पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। सर्दियां शुरू होते ही गिरी और गुम्मा पेयजल परियोजना में सुबह और शाम को लो वोल्टेज का संकट गहराने लगा है। इस कारण पंपिंग प्रभावित होने से शहर के लिए पानी की सप्लाई 5 MLD तक घट गई है। कम पानी मिलने से कंपनी ने भी कई इलाकों में पानी की अघोषित राशनिंग शुरू कर दी है। चौड़ा मैदान के कुछ एक इलाकों और सेंट्रल जोन के कैथू में अब रोज पानी की सप्लाई में कट लगाया जा रहा है। वहीं बीते साल भी सर्दी के मौसम में लो वोल्टेज के चलते शहर में दिसंबर से फरवरी तक पानी की किल्लत रही थी। इस बार भी संकट को भांपते हुए पेयजल कंपनी ने बिजली बोर्ड को पत्र लिखा है। सड़क हादसे में SJVN के अपर महाप्रबंधक की मौत।
राजधानी में सड़क दुर्घटना में SJVNL में कार्यरत एक अधिकारी की मौत हो गई। ब्रजेश कुमार 53 वर्षीय निवासी पंचकुला हरियाणा शिमला स्थित सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कार्यालय में अपर महाप्रबंधक के पद पर तैनात थे। न्यू शिमला थाना पुलिस दुर्घटना के मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक शोगी महली बाईपास पर यह हादसा हुआ। ब्रजेश चंडीगढ़ अपनी पत्नी के पास गए थे। शिमला स्थित कार्यालय आते वक्त लाला पानी पुल के पास उनका वाहन सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को सड़क तक पहुंचाया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए। वहीं न्यू शिमला पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भाजपा विधायक के पीए पीएसओ और अन्य पर गिरफ्तारी की तलवार। विधानसभा चुनाव के दौरान अभयपुर गांव में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट के मामले में भाजपा विधायक राकेश ठाकुर के पीए पीएसओ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में अब भारतीय दंड संहिता की धारा 326 भी जुड़ गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को दी शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की थी। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विधायक के पीए पीएसओ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धारा जोड़ी है। ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में कई वाहन तोड़ डाले थे, जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोग भी घायल हुए थे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा व उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया था, जबकि कांग्रेस की ओर से विधायक राकेश ठाकुर के पीए पीएसओ व अन्य के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाया था। उधर DSP डॉक्टर वसुधा सूद ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में एक धारा जोड़ी गई है। नादौन में टिपर से टकराई स्कूटी चालक की मौत, दो घायल। हमीरपुर जिले के नादौन बस अड्डे के निकट ज्वालामुखी मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे दो अन्य घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर घायल को परिजन होशियारपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। मिली जानकारी के अनुसार बजरी से भरा हुआ टिपर नादौन बस अड्डे की ओर जा रहा था। वहीं इस दौरान एक स्कूटी टिपर के पिछले टायर से टकरा गई, जिससे स्कूटी सवार अजय कुमार पुत्र जयचंद निवासी ढोडरू सिलह, अश्विनी कुमार पुत्र प्रदीप कुमार निवासी धबकेड़ मजीण और संदीप कुमार पुत्र रतनचंद बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस योग और विदेश नीति की पढ़ाई करवाएगा CU। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए अकादमिक सत्र 2022-23 में विदेश नीति, योग, तिब्बतन स्टडीज, मशरूम कल्टीवेशन और अनुवाद जैसे नए विषयों में सर्टिफिकेट और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स शुरू करवा रहा है। विद्यार्थी नए सत्र से विश्वविद्यालय में 19 नए विषयों में सर्टिफिकेट और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाई करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत ये नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए मानकों में दी जा रही ढील होगी समाप्त। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नवी से 12वीं कक्षा की संबद्धता प्राप्ति हेतु आवेदन करने वाले प्राइवेट स्कूलों को मानकों में दे रहा ढील धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कोविड के चलते बोर्ड ने संबद्धता प्राप्ति हेतु प्राइवेट स्कूलों को तय मानकों में ढील दी थी, लेकिन अब कोरोना का प्रकोप कम होने के कारण अब यह ढील समाप्त हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा बोर्ड नवी से 12वीं कक्षा वाले प्राइवेट स्कूलों को संबद्धता नवीनीकरण, संबद्धता कक्षा स्तर उन्नत सहित अन्य संबद्धता देता है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।